इस तस्वीर को देखो, ये खूबसूरत जगह है ग्रीस की राजधानी एथेंस। आप सोच रहे होंगे कि खूबसूरत नारंगी तस्वीर को एआई से संपादित किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि यह ग्रीस की राजधानी एथेंस की प्राकृतिक तस्वीर है। मैं आपको बताती हूँ कि नारंगी रंग कैसे हो गया। अपने रेत की टीलों के लिए मशहूर सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हालांकि इस जगह पर रेत के तूफान आते हैं। सहारा रेगिस्तान से आने वाले तेज हवाओं ने धूल के बादलों को भूमध्य सागर के पार एथेंस की ओर धकेल दिया। उत्तरी अफ्रीका के धूल के बादल इतनी दूर तक यात्रा कर सकते हैं? खतरनाक। सहारा रेगिस्तान से धूल और रेत की हालिया घटना मार्च 2018 के बाद से सबसे खराब थी। ग्रीस में मार्च और अप्रैल की शुरुआत में भी रेतीला तूफान आया था, लेकिन हाल की घटना जितना गंभीर नहीं था। सहारा रेगिस्तान से आए रेतीले तूफान के कारण पूरा शहर पूरे दिन धूल और नारंगी रंग से ढका रहा। स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों से घर के अंदर रहने, मास्क पहनने के लिए कहा ताकि धूल से प्रभावित होने से वे बच सके। उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा और कहा कि कुछ दिनों में हवा साफ हो जाएगी। रेतीले तूफान ने स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे यूरोप के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित किया, लेकिन उतना गंभीर नहीं।